ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन सुख और समृद्धि बना रहे, आपका कल्याण हो। तुला राशि वाले, आज ये 8 दिसंबर रविवार के दिन ग्रहों की दशा शुक्र राहु शनि केतु आपके लिए कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है, तो चलिए राशिफल जानने से पहले जानते हैं आज का पंचांग, आज का शुभ मुहूर्त। आज 8 दिसंबर रविवार का दिन, अघन माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, अश्वनी नक्षत्र और बर्यान योग बन रहा है। आज का शुभ मुहूर्त 7:43 से 9:27 तक होगा। आज का राहु काल संध्या 4 बजे से 5:17 तक होगा। तुला राशि वालों, आज अश्वनी नक्षत्र और बर्यान योग में आप दिन की शुरुआत पश्चिम दिशा की तरफ से ना करें। आज आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और आपका लक्की नंबर 4 होगा। तो तुला राशि वाले, अश्वनी नक्षत्र और बर्यान योग में आपकी राशि पर केतु और चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलेगा। आज आप केतु और चंद्रमा के प्रभाव से ज्यादा प्रभावित होंगे। आज केतु चंद्रमा और मंगल का दशा आपको धनवान और भाग्यशाली बना रहा है। आज आप शांत सुखी और स्वाभिमानी होंगे। अपने स्वाभिमान के लिए आज आप सब कुछ करेंगे, पर आज कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है, इसलिए किसी भी काम को सोच समझ कर करें, किसी की बातों में ना आए और कोई किसी के बहकावे में तो बिल्कुल ही ना आए, नहीं तो आपके जीवन में समस्या खड़ा हो सकती है। चंद्रमा के कारण आज आपका स्वभाव चंचल रहेगा। जीवन में नए अनुभव को पाने के चक्कर में आप किसी भी काम को अधूरा छोड़ देंगे। तुला राशि वालों, आज आप किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें, नहीं तो जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है। तुला राशि वालों, आज अश्वनी नक्षत्र और बर्यान योग में चूंकि आपकी राशि पर केतु का प्रभाव है, केतु कभी-कभी इंसान का दिमाग भ्रमित करता है, जिसके कारण इंसान कभी किसी काम में कभी किसी काम में लग जाता है, पर आप अपना समय बर्बाद ना करें। दिन भाग्यशाली है, इसलिए जो भी काम करें सोच समझ कर करें और अपने काम को अधूरा ना छोड़ें। तुला राशि वालों, जो स्टूडेंट हैं आज उनके लिए दिन संघर्ष से सफलता प्राप्त करने वाला है, यानी आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही सफलता आपको मिलेगा। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन सफलता के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज शुक्र की दशा आपके जीवन में आकर्षण दे रहा है। आज आप कहीं किसी से प्यार के चक्कर में उलझ जाएंगे, तो आप इन सब चीजों से थोड़ा बच कर रहें। कोई आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो इन सब बातों से दूर रहें और अपने कैरियर, अपने रोजगार के प्रति सोचें, अच्छे से मेहनत करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। तुला राशि के ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आज उनके लिए दिन थोड़ा उलझन भरा हुआ रहेगा, क्योंकि केतु जो आपके पराक्रम में बैठा है आपकी शक्ति को भ्रमित करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य से थोड़ा भटक सकते हैं। तो तुला राशि वालों, आप ध्यान रखें, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें, तभी सफलता आज आपको मिलेगी। नौकरी का योग तो तुला राशि वालों के जीवन में बहुत दिनों से बना आ रहा है, क्योंकि शनि केतु और बृहस्पति पराक्रम में गोचर कर रहे हैं, साथ में राहु आपके भाग्य में बैठा है। ऐसे में सरकारी नौकरी मिलने का योग बनता है, पर केतु से आज आप थोड़ा ज्यादा प्रभावित हैं, इसलिए केतु आज आपको भ्रमित करेगा। आप किसी भी भ्रम में ना पड़े, कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें, जीवन में सफलता तभी जाकर मिलेगी। तुला राशि के ऐसे लोग जो व्यापार करते हैं,
आज उनके लिए दिन अच्छा है, अचानक धन का लाभ होगा क्योंकि आज बृहस्पति पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी आज भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप धन तो कमाएंगे पर अचानक सफलता से आपके मन में खुशी भी जागृत होगी। तुला राशि वालों, अपनी सफलताओं से आज आप खुश होंगे लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनकी उम्र 27 बरस से कम है उनको अपने जीवन में सफलता के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। धन प्यार और सुखी जीवन का योग बन रहा है, आप मेहनत से पीछे ना हटें, अपने आलस का त्याग करें तभी जीवन में सफलता का मजा ले पाएंगे। तुला राशि के ऐसे लोग जिनकी उम्र 27 बरस से ऊपर लेकिन 40 बरस से कम है ऐसे लोगों के जीवन में खुशियां मिलने वाली हैं। कारण, राहु और केतु दोनों आपके जीवन में खुशी देगा। ये तभी देता है जब इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो 27 से 40 बरस के उम्र के बीच के लोग आपके जीवन में सफलता मिलने जा रही है, अचानक धन का लाभ होगा, अचानक बिगड़े काम बनेंगे, जो भी चीज होगा आज आपको अचानक मिलेगा क्योंकि केतु राहु शनि और बृहस्पति की दशा आपके जीवन में ऐसा योग बना रहा है। चंद्रमा जो कि आपकी राशि के सातवें भाव में उदय हो रहा है जिससे आपका लव लाइफ दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर रहेगा। उसमें थोड़ी चंचलता भरी रहेगी, थोड़ा उतावलापन होगा पर आपका लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन अच्छा गुजरेगा। जिनकी उम्र 40 बरस से ऊपर है उनके जीवन में सुख धन की प्राप्ति होगी, नौकरी बिजनेस में अपार सफलता मिलेगा। तो तुला राशि वालों, आज राहु आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है, आज आप अपने बुद्धि से किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं पर जैसा कि हम बताएं मेहनत तो आपको करना ही होगा। बिना मेहनत किए कुछ भी आज संभव नहीं है क्योंकि केतु का योग जब किसी राशि पे पड़ता है तो इंसान का मेहनत ही उसे सफलता दिलाता है। तुला राशि वालों, आज आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा, कैरियर में सफलता मिलेगा, कोई नया काम आज आप अचानक शुरू करेंगे पर ध्यान रहे उस काम को अधूरा न छोड़ें, काम को पूरा करें तभी धन का लाभ होगा और सुखी जीवन जी पाएंगे। तुला राशि वालों, आपके जीवन में अगर थोड़ी समस्या है तो महादेव जी का पूजा करें, महादेव में बहुत शक्ति होती है। महादेव महाकाल हैं जो राहु केतु को शनि को अपने बस में रखते हैं, तो महादेव की पूजा करने से आज आपकी समस्याओं का समाधान निकलेगा और आप जीवन में तरक्की करेंगे, आपकी किस्मत भी बदलेंगे और आप जीवन में सुख शांति प्यार धन सब कुछ पाएंगे। तो तुला राशि वालों, रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए आपका राशिफल लेकर आते हैं और राशिफल देखने के बाद किसी भी देवी देवता का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में भी सफलताओं का एक नया दौर शुरू होगा, आप देखेंगे आप भी जीवन में सुख समृद्धि और सुखी जीवन जी पाएंगे। तो तुला राशि वालों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।